सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम एमएलए जुबली हिल्स एम गोपीनाथ और एआईएमआईएम एमएलसी रियाजुल हसन अफंडी ने पीर के रोज मजीद 1000 राशन किट्स की गाड़ियों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़े रहे कि मोहम्मद सलीम की पहल पर वक्फ बोर्ड के जानिब से ये इमदादी काम जारी है। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए नाकिदीन को बाज आ जाने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर सोशल मीडिया पर गैर जरूरी मनाफी तबसरे व तशहीर करने वालों के खिलाफ हाथक इज्जत का मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बोर्ड मंशाए वफ के मुताबिक मुसलमानों की मौसर अंदाज में खिदमत अंजाम देने में मसरूफ है। वहीं चंद मफाद परस्त अनासिर हमा अकसाम के हरबे अपना कर खिदमत में अदम तवाजुन का बाइस बन रहे हैं, जबकि बोर्ड हमेशा मुसलमानों के मफाद को तरजीह दी है। पहले तो वक्फ बोर्ड जो है मंशा वक्फ के हिसाब से काम करना है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ वक्फ बोर्ड में जो है ना ज़्यादा जितने भी जो पावर्स है बोर्ड को है, बोर्ड मिलके हमको रेजोल्यूशन देने के बाद ही हम जो है ना 21 लाख रुपए का जो है राशन किट तकसीम कर रहे हैं। और अभी नहीं, इससे पहले भी लॉकडाउन में भी करें, क्योंकि मेन बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो है 10 किलो चावल कल सीएम साहब भी ऐलान करे, वो सीएम साहब जो काम कर रहे हैं, मैं सीएम साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज इंडिया में सबसे कम कोरोना वाला, दिल्ली जाओ और तमिलनाडु जाओ और गुजरात जाओ, जान जाते जाओ, वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर केसीआर साहब जो है ना इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतने पेशेंट नहीं है जितने के बाहर अदर स्टेटों में है, और हमारा स्टेट पीसफुल है। आज भी अल्लाह का एहसान है कि आज हमारा स्टेट पीसफुल है, आज उतना कोरोना यहाँ पर नहीं है, यहाँ कंट्रोल में है। अभी हमारे भाई पूछ रहे थे कि एक साल से कोरोना है क्या करें, बोल के एक साल से क्या करें, आप जाके हॉस्पिटलों में देखिए आप कितने बेड्स पड़ा है, कितने डॉक्टरों को ये करे, मतलब कितना मेडिसिन बाहर से मंगाए। परसों ऑक्सीजन नहीं था तो जो है नेवी के फ्लैट लगा के जो है ना टैंकरों के टैंकर जो है ना केसीआर साहब जो है ना मॉनिटर करके चीफ सेक्रेटरी को लगा के जो है ना गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी जो है ना कोरोना के लिए काम कर रही। और आप लोग जो है ना मतलब बोल रहे कि वक्फ बोर्ड क्या करा, वक्फ बोर्ड नहीं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी करना है गवर्नमेंट करेंगी और गवर्नमेंट कर रही। वक्फ बोर्ड के हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है ना जो करना है वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ये राशन किट बोल के नहीं है, 2500 आदमियों को देने से नहीं है, 2500 आदमियों से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर करोड़ों में लोग आए यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में। मगर हमारे पास जो है ना मैयत फंड के लिए भी जो है ना 5000 रुपये दे रहे हैं हम लोग, जो भी हेल्पलाइन पे फ़ोन करे उनको इमीडिएट जो है ना मैयत फंड बोल के जो है ना कफन दफन के लिए दे रहे, और ग्रेवयार्ड्स भी जो है ना फ्री देना बोल के कब्रस्तानों में भी हम लोग पूरी तरीके से पाबंदी करें। अगर कोई नहीं दे रहे तो आप अप्लीकेशन दीजिए, इमीडिएट उनको एक्शन लेंगे, उनके ऊपर सस्पेंड करने की कोशिश करेंगे बोर्ड में रख के। और दूसरी चीज़ जो है ना वक्फ बोर्ड के ऊपर नक्ताचीनी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना मीडिया पे चला रहे हैं कि मतलब अपनी अपनी दुकान चला रहे, चेयरमैन क्या करे, खाली चेयरमैन फेगम पाक फेगम पाक, तुम लोग फेगम पाक करे, मतलब हम फेगम पाक के कोई, हम तो आओ यहाँ पर आके बात करो, दम है तो हम हिसाब बताते क्या करना है बताते यहाँ पर, यहाँ अल्लाह का करम है, यहाँ पर डरते करते नहीं, ये सब व्हाट्सअप चैनलों पर डाल के करके चला रहे, चलाओ क्या चलाते चलाओ, अल्लाह देख रहा ऊपर, आने वाले साल तक जो भी गलत बोल रहे होंगे रहते या जाते नहीं मालूम, समझे, अल्लाह की मार रहती, जो भी अगर गलत पेश करेंगे इसको तो अल्लाह की मार रहेगी, कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब कीड़े पड़ के मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर काम सीधा कर रहे हैं, पानी के रवादार नहीं है, अल्लाह के वास्ते काम कर रहे हैं यहाँ पर, या किसी से डर के काम नहीं कर रहे। सीएम साहब के ताइद में जो है, सीएम साहब जो है ना, सीएम साहब की हिदायत पर जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छे काम जो है ना जितने भी हो सकते हैं यहाँ पर कैंसर पेशेंट को दे रहे, कोरोना पेशेंटों को दे रहे, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो दे रहे, अपाश के लोग आए तो उनको भी दे रहे, कुछ लेडीज का भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो दे रहे, किडनी के लिए दे रहे हम लोग, ये ऐसा फंड हम लोग यहाँ से वो भी देते रहते हैं हमेशा, समझे, गरीब कोई भी आए तो जो ना उनको हेल्प करते कैसा करना क्या है बोल के। खाली एक राशन नहीं है ना, मतलब हमारे वक्फ बोर्ड के बजट के हिसाब से जितना करना है बराबर कर रहे। अब इसमें जो ना बास मीडिया के भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग करुणा के उस पर जाइए, किसी के एक को पकड़ के जो ना उसकी लुप्ताचीनी करके उन्हें ये करा इन्हें ये करा क्या करा, आओ सामने सामने फेस टू फेस बताता हूँ क्या करा भाई, समझे, व्हाट्सअप पे चला रहे मतलब क्या चलाते, व्हाट्सअप आपके हाथ में बोल के कर रहे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज मेरे खिलाफ डालो आप,
एमएलसी पैसे दे के ले, पैसे दे के लेते, तुम तुबला करते होंगे, बैकग्राउंड में कौन है वो भी मालूम मेरे को, सब हमारे दुश्मन है बैकग्राउंड में चढ़ा के छोड़ने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अल्लाह साथ है मेरे और मैं काम करते रहूंगा, अल्लाह से डरूंगा भाई और किसी से डरना नहीं है। हमारे बॉस केसीआर साहब है, केसीआर साहब जैसा बोलेंगे हम यहाँ पर काम करेंगे, केसीआर साहब केटीआर साहब की हिदायत पे हम लोग काम कर रहे हैं और करोना के जितने पेशेंट है इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट पूरी मिशनरी लगी हुई है और हम लोग भी जो ना काम करेंगे उसमें हमसे जो हो सकता करोना के लिए, गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से भी कर रहे हैं, हम भी पर्सनल करेंगे जो भी करना है वक्त आने पर, हम लोग खामोशी से जो करना है खामोशी से कर रहे हैं, प्राइवेट है वो, ऐसा शो पुट अप करके नहीं कर सकते हम, ज़कात निकालो या और कोई भी चीज़ निकाला तो हम साल के 12 महीने करते हम, ये खाली रमज़ान में दिखावा खाली गाड़ियाँ लगा दिए वो लगा दिए ये लगा दिए ऐसा काम नहीं करते हम पूरा प्रैक्टिकल में काम करते हैं, हम पूरा पूरा कंप्लीट इलाज करा के छोड़ते हैं हम, समझे। इससे पहले करोना में जो है 50,000 रुपये हम जो है ना लोगों को दिए, मतलब अब ये मालूम 500 किट एक एक एमएलए कॉन्स्टेंसी में दिए, 2,000 दिए, 4 मस्जिदों को दिए एक एमएलए को और कारपोरेटर को भी दिए, हर कारपोरेटर को भी दिए 500 500। ठहरो जरा आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, हजार हजार भी दिए। और दूसरी चीज जो है और भी जो भी बचा कोई घर को ले आने का नहीं है, सब पब्लिक में देने का है, समझे। अब खाली एक काम नहीं करते हम लोग, मल्टी काम होता है यहाँ पर, किसी का भूखा है तो उसको भूखा हम देख नहीं सकते, कोई परेशान है तो उसको परेशान देख नहीं सकते हम लोग। रात में भी 12 बजे फोन आते मेरे को, वहाँ जगह नहीं मिल रही, यहाँ खबर को यहाँ प्रॉब्लम है, बोले तो हम शॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पर, हमारा हेल्पलाइन चालू रहता है और हमारे ऑफिसरों को बोल के इमीडिएट हम टीम भी जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद भी जो है ना काम करने के बाद नहीं बोल रहे कि मतलब क्या कर रहे ये वो कर रहे ये कर रहे, मतलब चेयरमैन क्या कर रहा, खाली गलत व्यवहार करा रहे, बोल के गलत तुम लोगों का व्यवहार करा रहे पब्लिक को गलत व्यवहार कराएंगे तो मैं भी डिफॉर्मेशन डालूंगा, डिफॉर्मेशन केस डाल के जो ना मैं भी सूट फाइल करूंगा भाई, मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ भाई, कुछ भी व्हाट्सएप पे डाल लेंगे तो क्या सुन लेते बैठेंगे। यहाँ पर अपील है भाई, आप लोग करोना के लिए दुआ करिए, आवाम परेशान है, आवाम के लिए दुआ करिए, आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग परेशान है, ये टाइम पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है, किसी के ऊपर दुश्मनियाँ निकालने का नहीं है, आप लोग सब भाई भाई होके जो है ना काम करिए सब मिलके, मीडिया वालों की भी सपोर्ट से जो है ना बहुत कुछ काम कर सकते हैं और जो है ना सब मिलके जो है ना करोना के जो भी लोग हैं उनका हेल्प करिए और कुछ ले हो रहा तो जो है ना वकबोर्ड से भी बोलिए आप, हम गवर्नमेंट से दिलाएंगे वकबोर्ड से करेंगे, समझे। वकबोर्ड जो है ना ऐसा नहीं है कि खामोश तमाशा देखने के लिए नहीं है, वकबोर्ड से जो हो सकता हम कर रहे हैं वकबोर्ड की हैसियत के हिसाब से, गवर्नमेंट जो है ना पूरा प्रकाशन लेके जो है ना पूरे ऑफिसरों को पूरी मिशनरी आज जो है ना पूरी करोना के पेशेंट के लिए लगी हुई है, पूरा ऑक्सीजन के लिए लगे हुए हैं सब लोग, बाहर से कहाँ से ऑक्सीजन मंगाना, ऑक्सीजन मंगा रहे, ऑक्सीजन दे रहे, इसमें केटीआर साहब केसीआर साहब महबूद अली साहब असद साहब सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके जो है ना काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है ना आप लोग ये ऐसे लुकते चुनिया करके एक को टारगेट कर देना, चेयरमैन क्या करा उन्हें क्या करा, ये पुराने बातें हो गए, छोटे रहने जब से सुनता हूँ भाई, सुने इशू करने का नहीं है। हाईकोर्ट भी आर्डर दिया कि 50 आदमी से ज़्यादा ये नहीं रहना और 20 आदमी जो है मावता में रहना जो भी फंक्शन है, और मेरी सबसे अपील है कि ईद की नमाज अपने अपने एरियों में पढ़िए, परसों होम मिनिस्टर साहब भी बोले और हाईकोर्ट का भी ये इंस्ट्रक्शन है और गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस है कि मतलब पब्लिक जमा होना नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि अपन नमाज पढ़ने को क्या है कोई ईदगाह में जहाँ चाहे पढ़ सकते, मगर रश जो ज़्यादा हो जाता है उसमें अगर उसमें से एक 25 आदमियों की भी तबीयत ख़राब हो गई तो 25 खानदान परेशान हो जाते, तो लिहाजा जो है मेरी भी अपील है वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से गवर्नमेंट की तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपने अपने महलों में जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पर पढ़ो और वहाँ भी रश जमा ना हो, वहाँ पर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़िए और सुन्नतें नफिलें जो है ना अपने घरों में अदा कीजिए, क्योंकि फ़र्ज़ पढ़ के निकल जाइए, क्योंकि वहीं पर पूरे सुन्नतें नफिलें ये सब पढ़ने से जो है ना रश कंटिन्यू रहता, तो लिहाजा आप लोगों से मेरी अपील है कि ईद की नमाज भी अपने अपने एरियों में अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि ये करोना का खात्मा हो जाए। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance.
sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.